हर गांव में 100 उद्योग लगाए और क्या उद्योग हो सकते हैं, जैसे गांव में 4 लाख गांव में कपास होती है, जहां कपास होती है वहां खादी बन सकती है, 4 लाख गांव में खादी बनाने का उद्योग। भारत में लगभग 3 लाख गांव में सरसों होती है, जहां सरसों होती है वहां तेल उद्योग है। भारत के 3.5 लाख गांव में गेहूं होता है, तो गेहूं का आटा बनाने का उद्योग, क्योंकि गेहूं तो कोई खाता नहीं, आटा खाते, गेहूं को 11 रुपए किलो मिलता, आटा को 26 रुपए किलो मिलता। फिर भारत में 3 लाख गांव में आम पैदा होता है, जहां आम होता है वहां आम का अचार, आम का बड़ी, आम का पापड़, आम का मुरब्बा और आम की मिठाइयां और मैंगो फ्रूटी और मैंगो जूस, ये सब गाँव गाँव में बना। 1 लाख गांव में आलू होता है, तो आलू का चिप्स बनाने का उद्योग। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर सॉस बनाने का उद्योग। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में लगाए। इन उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को काम मिलेगा और ये उद्योग लगाने में 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा और अपने पास 258 लाख करोड़ है, तो 10 लाख करोड़ के खर्चे में हो जाए। फिर हर गांव को बिजली देनी है 24 घंटे, उसमें 4 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव को सड़क देनी है, 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव को शिक्षा देनी है, करीब 8 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव के किसान के खेत को पानी देना है, उसमें 10 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 50 लाख करोड़ का खर्च करें तो हर गांव इस देश में सुखी और समृद्धशाली होगा। और 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो भी 208 लाख करोड़ बचे, 208 लाख करोड़ बचेगा, उसको बैंक में जमा कर दें फिक्स डिपॉजिट में, तो उसका साल का ब्याज 20 लाख करोड़ आएगा। और वो 20 लाख करोड़ का जो ब्याज अगर साल का हमको मिलता है तो किसी से टैक्स लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे टैक्स हम खत्म कर देंगे। और सबसे पहले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स है ना, ये काला धन पैदा कराता है। ये कैसे कराता है? 100 रुपए आपने कमाए, इसमें से 30 रुपए सरकार को अगर आपने इनकम टैक्स में दिए तो 70 रुपए व्हाइट है, और नहीं दिए तो 100 रुपए ब्लैक। अगर ये कानून हटा दो तो पूरा का पूरा 100 रुपए व्हाइट है, ब्लैक कुछ नहीं। और इस इनकम टैक्स के कानून की मदद से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे कई गुना ज्यादा ब्लैक मनी पैदा होता है। हमने हिसाब निकाला तो इनकम टैक्स तो आता है 3-3.5 लाख करोड़ का, ब्लैक मनी पैदा हो जाता है 50-55 लाख करोड़, क्योंकि हर आदमी टैक्स चोरी करता है तो आमदनी छुपाता है, और जितनी छुपी हुई आमदनी है वो सब ब्लैक मनी। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये कानून हटा दो इनकम टैक्स का, और ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1860 का। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारत से पैसे लूटने के, अब वो कानून हमें लगाने की जरूरत है। और इनकम पर टैक्स नहीं करना चाहिए कभी भी किसी देश में, क्योंकि इनकम पर टैक्स करोगे तो इनकम कम होती जाएगी। टैक्स करो तो एक्सपेंडिचर पे करो, खर्चे पे टैक्स करो, ताकि लोग खर्चा कम से कम करें, आमदनी ज्यादा से ज्यादा, खर्चा कम से कम हो। आमदनी ज्यादा से ज्यादा और खर्चा कम से कम माने आमदनी बचाएं हो बचत के रूप में, और आमदनी बचाएंगे बचत के रूप में तो बैंक में जाएगी। बैंक में मेरे जैसे लोग कर्ज लेंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग चलाएंगे, तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो इनकम से टैक्स करना, तो ब्लैक मनी खत्म। ब्लैक मनी खत्म होते ही सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा गया ही इसलिए है कि ब्लैक है। ब्लैक मनी खत्म कर दो समाज है, और जिन बैंकों में ये पैसा है ना, उन बैंकों में खुद वो लोग परेशान है पैसा रखने वाले, क्योंकि बैंक ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं। वो कहते हैं आप तो इनकम टैक्स पहले हटा दो, हम तो सारा पैसा ले आएंगे, भारत की बैंकों में रखेंगे, कम से कम ब्याज तो मिलेगा 5-6%, वहां तो उल्टा सर्विस चार्ज देना। ये वो लोग मुझे कहते हैं जिनके विदेशी बैंकों में काम है, और वो मुझे कहते हैं हमारा नाम मत कहो लोगों को, लेकिन हम ईमानदारी से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिन बैंकों में हमने पैसे रखे हैं वहां हमें एक पैसा भी ब्याज नहीं मिलता। आप तो इनकम टैक्स हटा दो, हम अपने आप सारा पैसा ले आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सारा पैसा लाके भारत की बैंकों में रख देंगे।
सिर्फ वो सरकार की मदद करे बैंक और लोगों की मदद करे, पैसे गोबा कर सकते, कारखाने लगे, व्यापार चले, उद्योग बने, तो देश में 258 लाख करोड़ रुपए आ सकता है बिजनेस की, और 50 लाख करोड़ के खर्चे में गांव सुधर जाएंगे, और हर साल 20 लाख करोड़ का ब्याज मिले तो देश अनंत काम तक चलेगा बिना टैक्स के। हम तो सेंट्रल एक्साइज भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज के कारण क्या होता है ना, उत्पादन की चोरी होती है। कोई आदमी 100 करोड़ का उत्पादन करता है, टैक्स चोरी करने के लिए 10 करोड़ का देता है, तो उत्पादन भी ब्लैक में चला। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि इससे व्यापार की चोरी होती है। तो व्यापार की चोरी बंद करानी है, उत्पादन की बंद करानी है, आमदनी की, तीनों चोरियां बंद हो गई तो लोग तो ऐसे ही मानता। तो देश चलाने के लिए भी पैसे हैं अपने पास, और लोगों को हिम्मत हो गई, पिछले 63 साल में किसी ने क्यों नहीं किया ये काम। बात इतनी सी है कि पिछले 63 साल में कोई सन्यासी नहीं निकला इस देश में, नहीं तो हो जाता। अब पैदा हो रहा है एक सन्यासी जो ये करना चाहिए, और ऐसे काम सन्यासियों के ही बस में होते हैं करना, क्योंकि सन्यासी को मोह नहीं होता। मोह क्यों नहीं होता? उसका कुछ है ही न, परिवार न बीवी न बच्चे न रिश्तेदार, तो मोह क्यों होगा? और जिसको मोह नहीं होता वही साहसी होता है, निडर होता है। मोह में फंसने के बाद तो आदमी कमजोर होता है। आपने वो श्री कृष्ण भगवान की युक्ति सुनी, मोह से कहां कहां जाके आदमी फंसता है। तो होगा तो कृष्ण कहते मोह मत कर, ये मोह सबसे खतरनाक, तो कर्म कर और धर्म के रास्ते पर। तो कर्म करना धर्म के रास्ते पे चलना ये सन्यासी के बस का है। 63 साल में कोई सन्यासी पैदा होता तो कर देता, नहीं हुआ इसलिए नहीं हो पाया। अब सन्यासी आ रहा, शायद भगवान ने देखा, वो सन्यासी तो लगा हुआ था योग प्राणायाम सिखाने में, अब उस सन्यासी को ये धुन सवार हुई है काला धन वापस ला, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को, टैक्स सिस्टम को कर, शायद भगवान ने ये प्रेरणा दी। पर ये काम सन्यासी के थोड़ी है, तो अर्थशास्त्रियों के काम, प्राणायाम का परिणाम, हाँ ये भी है प्राणायाम का परिणाम। और शायद मैं तो और एक दूसरी बात देता हूँ कि इस सन्यासी में कोई महान क्रांतिकारी की आत्मा ने प्रवेश किया, हो सकता है कि उनमें भगत सिंह की आत्मा हो, चंद्रशेखर आजाद की हो, आशफा बिरला की हो, तात्या टोपे की हो, नाना साहब पेशवा की हो, वासुदेव बलिवंत फड़के की हो, कोई तो ऐसी क्रांतिकारी आत्मा है। और उस सन्यासी के आसपास जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये भी सब क्रांतिकारियों की ही आत्मा है जो ये शरीर धारण करके आए, वरना इतने लोग क्यों इकट्ठे होते? एक एक शिविर होता, हजारों लोगों की भीड़ आती है। आप मुझे ये बताओ कि योग और प्राणायाम को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी से पहले बहुत लोग सिखा रहे थे, लेकिन उनके यहां लोग नहीं जा रहे थे। स्वामी रामदेव जी ने ऐसा कहा है कि वही जा रहे सब लोग योग प्राणायाम से, कुछ खास बात है, वरना योग प्राणायाम सिखाने वाले तो सैकड़ों लोग। मैं डीके सायंकर नाम के एक व्यक्ति 40 साल से सिखा रहे योग प्राणायाम, 10 आदमी नहीं जाते उनकी क्लास। और स्वामी जी कहीं किसी शहर में योग प्राणायाम का शिविर ले ले तो जगह छोटी पड़ जाती। तो ये कोई महान आत्मा किसी शरीर में जब आती है ना तो उसका आकर्षण होता है। नाना साहब पेशवा ने 1857 में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया था, 732,780 क्रांति वीरों में, कोई महान आत्मा थी इसलिए। तो ये महान आत्मा का एक सन्यासी मिल गया इस देश को और ये करा देगा ये काम, आप सब इसके साथ जुड़ जाओ तो हो जाने वाला। और हमारी योजना बड़ी दूर की है, एक तो योजना है देश की गरीबी भूखमरी बेकारी खत्म करनी, दूसरी योजना है महंगाई खत्म करनी। महंगाई खत्म होगी टैक्स खत्म होने के बाद, अब सारे टैक्स खत्म कर दो महंगाई एकदम नीचे। मैंने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए, 1 लीटर डीजल मिलेगा
60 रुपए 80 पैसे, एक रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए। आपके बेटे को अगर इंजीनियर बनाना हो, आई आई टी में पढ़ना हो, तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में होगी, जो अभी 5 लाख में। आपके बेटे को एमबीबीएस एमबी डॉक्टर बनाना हो, अभी 20 लाख में खर्च होता, 2 लाख में हो जाएगा। अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस आना 7,500 रुपए में हो जाएगा, जो अभी 77,000 का। सारी टैक्स खत्म हो जाए तो 12 रुपए किलो का नमक 25 पैसे किलो मिल जाए, सारी टैक्स खत्म हो जाए तो 100 रुपए किलो की दाल 20-22 रुपए किलो मिल जाए। टैक्स खत्म हो गई, महंगाई महंगाई खत्म, तो गरीब से गरीब आदमी आराम से जीवन जीता, और बेरोजगारी और गरीबी खत्म, तो समाज के भी पास काम होगा, कोई धोखा नहीं मिलेगा। और उसके बाद चिकित्सा की सुविधाएं हर गाँव में उपलब्ध करानी है, उसके लिए युवक शिक्षक हमारे तैयार हो जाए, गांव गांव जाएंगे लोगों को सिखाए, तो सब निरोगी भी हो गए, सबकी गरीबी भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म, महंगाई भी खत्म, फिर भ्रष्टाचार खत्म, अगर काला धन से खत्म कर दिया तो ब्लैक मनी खत्म हो गई, करप्शन खत्म हो गई, क्योंकि कोई किसी को घूस दे ही नहीं सकता। जब मनी ब्लैक होता है ना तो रिश्वत दी जाती है, नहीं जाती, जब मनी वाइट है तो कोई रिश्वत देगा नहीं। तो सारी समस्याओं का समाधान भारत स्वामी। अब इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए, आप क्या मदद करें, हमारे मेंबर हो जाए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो अभी संगठित हैं। हमें पार्टियों से दुश्मनी नहीं, हमें पार्टियों में भ्रष्ट जो नेता है उनसे दुश्मनी है। सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है और सभी पार्टियों में अच्छे नेता। हमारा ये कहना है कि जो जो अच्छे नेता सब पार्टियों में, वो सब साथ में आए भ्रष्ट लोगों को किनारे से, और होना शुरू हुआ है। आप इसमें थोड़ी मदद कर देंगे तो जल्दी होगा, ये काम तो होगा, आप आ जाओगे जल्दी होगा, जल्दी 5 करोड़ मेंबर हो जाए, जल्दी 50 करोड़ का समर्थन मिल जाए, जल्दी हो जाए तो देश का नुकसान कम होगा, आप नहीं आओगे तो होगा तो सही, देश में होगा तो थोड़ा नुकसान जाता। तो आप फुल मेंबर बनो और 10-10 लोगों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित। मेंबर बनने के लिए एक फॉर्म हमने बनाया भारत स्वास्थ्य, वो आप ले लो, हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ पर इनसे ले लो फॉर्म, और वो फॉर्म भर के दे दो, नाम पता बोलना। फॉर्म जब आप जमा करोगे तो आपसे कुछ दान चाहिए, 51 रुपए। गांव में रहने वाले से दान चाहिए 11 रुपए, तो गांव वाले किसानों से 11 रुपए, शहर वाले नागरिकों से 11 रुपए, और जो दान आप करोगे उसकी रसीद ले जाओ, बिना रसीद के दान ना करो। हमने नियम बनाया बिना रसीद के 1 रुपए भी दान नहीं लेंगे किसी, तो रसीद लेके काम देना, और आप दूसरों को थोड़ा प्रेरित कर देना। हमने ये सोचा है हर जिले में 11 लाख हमें मेंबर बनाने हैं, भारत में 680 जिले हैं, तो करीब 68 करोड़ लोग मिल जाएंगे इस समय, और उतनी संख्या बढ़ गई, तो 11 लाख का लक्ष्य है इस जिले का, मेहनत कर दो और बूंद बूंद से भरा बढ़ता, एक आप मदद करो, एक दूसरा, एक तीसरा, ऐसे घूम घूम के बड़ा भर जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। और इस काम में आप आ जाओगे तो यश आपको ही मिलेगा, क्योंकि ये तो सन्यासी होता है ना, ये यश भी नहीं है, क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए ही ना, सत्ता ना सिंहासन या यश ना। और परंतु जी स्वामी जी ने खुद घोषणा की है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता और सिंहासन बैठने वाले लोग सही है, वो हमारा उद्देश्य। तो हम सब लगे और इस काम को करें, क्योंकि ये देश का काम है, हमारे अकेले का नहीं है, सब मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा और सारी दुनिया देखेगी। और इस काम का अंतिम परिणाम हमें पता है क्या करना है, कि विदेशी बैंकों से 2,8 लाख करोड़ लाना है। थोड़े दिन के बाद अंग्रेजों ने जो पैसा लूटा है हमसे, वो भी वापस,
अंग्रेजों ने 250 साल में करीब 300 लाख करोड़ रुपए लूटा हमारे देश में, वो भी वापस लाए। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ, और उस मुकदमे की तैयारी हम कर रहे हैं। अभी हमने 20,000 से ज्यादा प्रमाण इकट्ठे किए हैं अंग्रेजों ने जो लूटा है यहां से, उसके उन्होंने यहां से कोहिनूर हीरा लूटा, आपको मालूम कोहिनूर के अलावा 4,500 से ज्यादा और हीरे यहां से, सोने के सिक्के लूटे, चांदी के सिक्के लूटे, सोने तलवारें लूटी, महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन होता था वो उन्होंने लूटा, सोमनाथ मंदिर का सोने का दरवाजा था वो उन्होंने लूटा, ये सब उनकी संपत्ति के प्रमाण हमने इकट्ठे कर दिए, और इसमें से काफी संपत्ति अभी भी लंदन में रखी हुई है, उनके फोटोग्राफ हमारे पास। अगर तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में प्रमाण प्रस्तुत करना है, मुकदमा तो हम आसानी से जीतेंगे, और वो मुकदमा जीतेंगे तो 300 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस लेंगे। अब ये जो पैसा वापस लेंगे हम ये सोने के रूप में लेंगे, अंग्रेजों की करेंसी में नहीं लेंगे, स्टर्लिंग पाउंड में नहीं लेंगे, गोल्ड में लेंगे, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड में लेने से देश को फायदा नहीं, क्यों जैसे ही ये संपत्ति अंग्रेजों की हमारे यहां आएगी उनका स्टर्लिंग पाउंड क्रैश हो जाए, बिल्कुल वो कागज का टुकड़ा रह जाए, तो उसमें नहीं गोल्ड, और ये संपत्ति भारत में अगर सोने के रूप में हम जमा करें तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी और हमारा भी 1 रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर हुआ तो जो निर्यात अभी हम कर रहे हैं विदेशों में वो निर्यात से हमारी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी, और जो आयात कर रहे हैं विदेशों से उसका खर्चा 50 गुना घट जाएगा, आमदनी 50 गुनी बढ़ जाए, खर्चा 50 गुना घट जाए, तो आप जानते हैं धन ही धन होगा, पैसे ही पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे कि हम भारत के एक एक गांव की सड़क को 10 मिलीमीटर मोटे सोने के पतरे से बिछा दें, इतने पैसे। अमेरिका और चीन भी हमसे पीछे रह जाएगा, इतने आगे हम जाएंगे, और रुपया डॉलर अगर बराबर हुआ तो अमेरिका में रहने वाले जो भारतवासी हैं सब वापस आ जाए, क्योंकि वो अमेरिका गए ही इसलिए थे एक डॉलर 50 रुपए, जब डॉलर रुपए बराबर होगा वापस आ जाएंगे, 4 करोड़ भारतवासी वापस आएंगे तो उनका जो प्रेम है दिमाग है वो देश के लिए उपयोग आएगा, और फिर इस देश में प्रेम भी है पैसे भी है, कभी इस बात की हम तो सारी दुनिया में सबसे आगे जाएं, भारत को सुखी बनाएं, समृद्धशाली बनाएं, गौरवशाली बनाएं, गौरवशाली बनाएं, विश्वगुरु बनाएं भारत को, ऐसा ही अभियान है। आप इसमें मदद करें और मदद करने के लिए मेंबर बने, मेंबर बनके दूसरों को प्रेरित करें और इस अभियान को तेजी से पूरा करें। आप सफल हो और आपका जीवन सार्थक है। भगवान ने ये हमको आखिरी मौका दिया, मुझे कई बार भगवान भी जो है ना रोज मौका नहीं देता, कभी कभी मौका देता। एक बार हमें मौका मिला 1942 में, उसके पहले मौका मिला 1905, उसके पहले मौका मिला 1857, अब ये मौका मिला है 2014। तो इस मौके पर अगर हम चूक गए तो दुख ही दुख है, और अगर इस मौके का उपयोग हमने कर लिया तो भविष्य में सुख ही सुख है, और हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, सुख चाहता है, दुख की इच्छा किसी को नहीं, तो सुख चाहने वाले सारे भारतवासी इकट्ठे हों तो ये काम तो मिनटों में होने वाला, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक बार इकट्ठा होने की देर। तो आप सब इकट्ठे हों, हम सब इकट्ठे हों, भगवान हमको साहस दे, हिम्मत दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, और हम इस मार्ग पर चलते हैं। हमने अपने लिए एक संकल्प लिया, इस काम को करने में खर्चा बहुत होने वाला है, तो खर्चा कहां से है, एक तरफ प्रश्न लेना है तो पैसे तेरे को देना, वो रोज आते हैं मेरे पास और कहते हैं बाबा जी से कहो 10 करोड़ रुपए का देना चाहिए, मुझे पूछ, मैं कहता हूँ क्यों देना चाहते हो 10 करोड़,
कहते बाबा जी का आशीर्वाद जी उनका भगवान से ले लो बाबा जी की कम फिर कोई आता कोई कहता 15 करोड़ कोई कहता 30 करोड़ हम सबको मना सकते कि आपसे हमें एक रुपये अभी नहीं है क्यों आपका पैसा बेईमानी का हम ले गए तो हम भी बेईमान हो जाए इसलिए किसी भ्रष्ट आदमी से 10 करोड़ रुपए नहीं लेना उससे ज्यादा अच्छा है भारत के 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेना तो हमने एक एक व्यक्ति से लेने का संकल्प किया कोई 11 रुपए दे कोई 51 रुपए दे जो जितनी शक्ति रखता उतना दे इसलिए ये फंड इकट्ठा करके लड़ाई को लड़ने में इस्तेमाल करेंगे और इसका पूरा हिसाब एक एक पाई देश के सामने रखेंगे हमारी एक पत्रिका की बनती है जीवन संदेश उसमें हर साल का खर्चा दे खाते हम प्रकाशित करेंगे कहां से आया कहां हमने खर्च किया और मैं खुद ट्रस्ट में हूं परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं आचार्य पालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं मैं इस ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव हूं हमने आपस में तय किया है कि ट्रस्ट का एक पैसा भी हम अपने ऊपर खर्च नहीं करें एक पैसा जो भी पैसे आए हैं वो सब इस काम के लिए खर्च है तो ऐसा संकल्प लेकर इस अभियान में हम लगे हैं आप अगर आ जाएंगे जल्दी से अभियान पूरा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अकेले भी आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेते आएंगे और ये प्रश्न देश का है किसी पार्टी का नहीं किसी पक्ष का देश का आप पहले जीवन में किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों किसी को भी वोट दिया हो भविष्य में आपको देश के लिए काम करना क्योंकि पार्टी से देश बड़ा होता है देश से छोटा सब होता है दुनिया पार्टी देश से बड़ी नहीं है तो हमें पार्टियों के लिए नहीं लड़ना है हमें देश के लिए लड़ना पार्टियों के लिए काम नहीं करना देश के लिए काम तो यही निवेदन के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं आपने इतने ध्यान से शांति से सुना दूसरे लोगों को ये बातें अगर आप सुनाएंगे तो मैं और भी आभारी रहूंगा फिर से निवेदन है कि आप मेंबर बन जाए दूसरों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित करें मेंबरशिप का फॉर्म आप हमारे जो प्रभारी है उनसे ले लें कम पड़ जाए तो फोटो कॉपी करा लें फोटो कॉपी भी चलती है और हमारी भारत स्वाभिमान की वेबसाइट है उस पर भी मेंबरशिप का फॉर्म है आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो फॉर्म भी स्वीकार कर सकते हैं बहुत आभार वेबसाइट भारत स्वाभिमान www.bharatswabhiman.org www.bharatswabhimantrust.org तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो प्रभाषण से आपके लेक्चर भी हैं हाँ कुछ लेक्चर भी मिल जाएंगे और अभी भारत स्वाभिमान की तरफ से मेरी 15 CD रिलीज होने वाली है इसी महीने तो 15 CD में 3-3 घंटे के लेक्चर हैं अलग अलग विषय किसानों के लिए व्यापारियों के लिए उद्योगपतियों के लिए नौजवानों के लिए विद्यार्थियों के लिए ऐसे अलग अलग लेक्चर योग शिक्षक बनने के लिए क्या योग शिक्षक बनने के लिए प्रक्रिया है एक फॉर्म भर दीजिए और हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें आ जाइए और वो प्रशिक्षण शिविर ले लीजिए आप योग शिक्षक हो जाए शिविर